साथियों नमस्कार, आपका दोस्त मुकेश नागर आपके साथ एक बार फिर जुड़े हैं। साथियों मैं आपको बता दूं, सारे स्टूडेंट निश्चिंत हो जाइए, मतलब 21,000 वैकेंसी में अब मुझे तो ये लग रहा है भैया, 4 स्टूडेंट पर ही एक स्टूडेंट का सिलेक्शन होने वाला है। लेवल 1 के अंतर्गत साथियों इतनी आपत्तियां गई है, करीबन 10 से 15 क्वेश्चन के ऊपर स्टूडेंट ने आपत्ति लगाई है। साथियों बहुत आसान है सिलेक्शन लेना, बहुत आसान है। जिस भी बंदे के 90 पर आ रहे हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का है, मैं आपको बता दूं जर्नल का जो स्टूडेंट है अगर 90 के आसपास नंबर परसेंट उसका सिलेक्शन होगा, कोई भी सिलेक्शन नहीं रोक सकता। साथियों 90 क्वेश्चन अगर उसके राइट है, 90 क्वेश्चन अगर उसके राइट है तो कोई भी सिलेक्शन नहीं रोक सकता, ये मेरा दावा है, ये विश्वास है, ये सूचना मिली है, मतलब ये एक अनुमान बताया गया है कि इतनी कटौत जा सकती है। साथियों मैं भी आपको एक अनुमान ही ये बात कर रहा हूं कि अनुमानित कटौत इतनी रह सकती है और इतनी ही रहेगी, ये साथियों दावा करता हूं मैं आप लोगों को, देख लेना आप भी यही और मैं भी यहां पर ही हूं। कट ऑफ इतनी कम जाने के पीछे क्या रीजन है ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। देखिएगा अनेक प्रश्नों पर लगी आपत्तियां लेवल 1 के अंतर्गत, लेवल 1 के अंतर्गत बहुत सारे प्रश्नों पर आपत्ति स्टूडेंट के द्वारा दर्ज कराई गई है। करीबन 7 से 8 स्टूडेंट ने हमारे पास भी भेजी है और उन क्वेश्चनों के ऊपर हमने भी आपत्ति लगाई है। साथियों जनरल की कट ऑफ 90 से 93 क्वेश्चन जिस भी स्टूडेंट के राइट है, 100% उसका सिलेक्शन है, कोई भी नहीं रोक सकता। आप चाहे विश्वास मानिए या मत मानिए, लेकिन मैं आपको दावा करता हूं जिस भी बंदे के 90 से 93 क्वेश्चन राइट है, लेवल 1 के अंतर्गत उसका सिलेक्शन होएगा। आप खुद भी हैं और मैं भी हूं। ओबीसी में 88 से 90 क्वेश्चन, ईडब्ल्यूएस में 85 से 88 इतने क्वेश्चन जिसके राइट है सिलेक्शन लेके जाएगा, देख लेना आप भी। एमबीसी में 80 से 85, एससी में 78 से 80 और एसटी में 75 से 78 क्वेश्चन जिसके राइट है सिलेक्शन होगा। और मैं ये भी कहता हूं आपसे कि फीमेल के भी अगर इसके आसपास है, मेल के भी इसके आसपास है, सिलेक्शन 100% होने वाला है जिस भी स्टूडेंट के ये मार्क। अभी देखो इसके पीछे क्या कारण है, पेपर में अनेक सब्जेक्ट थे, ऐसा नहीं है कि एक ही सब्जेक्ट जीके वहां पर आया था तो हर स्टूडेंट वहां पर, ऐसा नहीं है कि सभी में वो माहिर हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। पेपर आसान था, पेपर आसान होने की वजह से नेगेटिव मार्किंग हो गई और नेगेटिव मार्किंग होने की वजह से स्टूडेंट के बहुत कम मार्क्स हो गए, बहुत कम क्वेश्चन राइट हो रहे हैं और अभी जो आंसर किया है ना उससे तो ओवर उलट फेर हो गया, पूरा काम ही गड़बड़ सड़बड़ हो गया, नेगेटिव मार्किंग हो गई। अरे नेगेटिव मार्किंग खा के चली गई, नेगेटिव मार्किंग ने मार दिया बहुत भयंकर तरीके से। और जो पेपर दिया था ना, एक मीठा जहर दिया था, उस मीठे जहर ने जो है ना अच्छे अच्छे स्टूडेंट को हालत खराब कर दी और बड़ी टेंशन में जी रहे। लेकिन साथियों मैं आपको बता दूं, टेंशन नहीं लेना, आपने जो मेहनत करी है उसके ऊपर विश्वास रखना, बस आपका सिलेक्शन होगा। परीक्षा का भय, उस समय परीक्षा का इतना डर और भय था कि क्या होगा, कैसा पेपर होगा, क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा, क्योंकि पहली बार ऐसी स्थिति हो रही थी। इस वजह से भी बहुत सारे स्टूडेंट ज्यादा क्वेश्चन करके आ गए और ज्यादा क्वेश्चन करने की वजह से उनके माइनस हो गए। साथियों तो इतनी बुरी हालात जो है लेवल 1 के अंतर्गत हो रही है और जिस भी स्टूडेंट के 90 के आसपास क्वेश्चन राइट हो रहे हैं उसका सिलेक्शन हो जाएगा। साथियों ये मैं आप लोगों से वादा करता हूं और विश्वास दिलाता हूं आपको, आप भी खुद देख लेना कि सर इतनी कम बता रहे हो, ये कम नहीं, ये हकीकत बता रहा हूं, ये मेरा एक अनुमान मैं आपको बता रहा हूं और ये अनुमान सही उतरेगा और आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे कि सर वाक्य में यही गई है यार, ऐसा कैसे हो गया, या आप लोग भी मुझे करके बताओगे, देख लेना आप लोग एक बार मुझे जरूर बताइए। साथियों आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं जरूर मुझे कमेंट्स करके बताइए, आपके कितने मार्क्स हो रहे हैं और कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं, प्लीज जल्दी से मुझे बताइए, फटाफट आप लोगों को यह काम करना है और मुझे बताना है ताकि मैं आप लोगों को रिप्लाई कर सकूं, आपका होगा 100% होगा। साथियों जरूर विश्वास कीजिए, और आपको विश्वास नहीं है ना स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप मिलाइए और मुझे भेजिए कि सर ये परसेंटेज गई है, इतने क्वेश्चन राइट पर सिलेक्शन हो गया, आप खुद भी इस चीज को जो है मानोगे और विश्वास करोगे। साथियों अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो जरूर जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, पसंद कीजिए साथियों। और मैं यहां पर हिंदी साहित्य इतिहास प्लस फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड और राजस्थान जीके का पूरा कोर्स एक छोटे से बोर्ड पर लेकर के आ रहा हूं साथियों, और आपको यहां से एक भी क्वेश्चन जो मैं लिखाऊंगा वो एक भी क्वेश्चन आपका बाहर जाने वाला नहीं,
रही है साथियों। तो दिल की गहराइयों से साथियों आप सभी को मैं नमस्कार करता हूं और आगे बढ़ता हूं इसी के साथ, ताकि आप लोग भी आगे बढ़ो। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।